नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबले अब आखिरी स्टेज पर हैं, जहां पहला मैच हमें कल देखने को मिलेगा वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच, तो वहीं दूसरा मुकाबला स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा। भाई जो दो टीम 4 पॉइंट एकत्रित करेंगी वो पहुंचेंगी सुपर 12 में। अब यहां पर सुबह का मुकाबला वेस्टइंडीज वर्सेस आयरलैंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो भाई लोग आई बटन पर ये मुकाबला अवेलेबल है, क्लिक करिए और जाकर देख लीजिए। वहीं आखिरी मैच होने वाला है स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। भाई बेलरीव ओवल हॉबार्ट में 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का यहां पर दबदबा रहा है, 5 बार फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जीती है, तो वहीं सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम मात्र 1 मुकाबला जीत पाई है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 170 के आसपास रहता है और कंसिडरिंग बोथ द टीम्स यहां पर 160 से 170 का स्कोर खड़ा किया जा सकता है। हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया का रहा है 213 रन 4 विकेट पर, और लोएस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबले के दौरान ही बनाया गया था बाय वेस्ट इंडीज 118 रन 10 विकेट पर। अब दोस्तों ये तो हुई बात पिच की, बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर। भाई 4 मुकाबले स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए हैं, स्कॉटलैंड 1 मैच जीत पाई है, तो वहीं जिम्बाब्वे ने 3 मैचेस अपने नाम करे हैं। अब भाई लोग यहां पर अगर करंट कंडीशन की बात करें तो स्कॉटलैंड डेफिनेटली वेस्ट इंडीज को 42 रनों से हरा चुकी है, वहीं आयरलैंड के खिलाफ 6 विकेट से हारी थी। ऑन दी अदर हैंड जिम्बाब्वे की बात करें तो आयरलैंड को जिम्बाब्वे ने हराया था 31 रनों से और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 31 रनों से ही हारी थी। तो अभी तक का जो समीकरण निकलता है उसमें एक बात तो तय है कि ये मैच बेहद कांटे की टक्कर का होने वाला है। भाई सबसे पहले अगर हम स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो जॉर्ज मुंसी, माइकल जोन्स, मैथ्यू क्रॉस, रिची बनिंगटन, कैलम मैकलियॉड, क्रिस ग्रीव्स, माइकल लीस्क, मार्क वॉट, जॉश डेवी, साफियान शरीफ और ब्रैड वील हमें खेलते नजर आ सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों बॉलिंग अटैक के लिहाज से देखा जाए तो टीम डिसेंट नजर आती है। मार्क वॉट ने 2 मैचेस में 4 विकेट अपने नाम करे हैं, वहीं ब्रैड वील 2 मैचेस में 3 विकेट चटका चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड माइकल लीस्क ने भी 2 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं। ये तो ही बात गेंदबाजों की। इनके अलावा अगर हम बैटर्स की बात करें तो जॉर्ज मुंजी ने टॉप ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 2 मैचेस में 67 रन बना लिए थे। वहीं माइकल जोन्स ने उमदा रन स्कोर करे हैं 2 मैचेस में 106 रन बनाए हैं, जहां इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 20 तो वहीं आयरलैंड के खिलाफ 86 रनों की शानदार पारी खेली थी। अब दोस्तों इन दो बल्लेबाजों के अलावा रिची बैरिंगटन भी मिडिल ऑर्डर संभालने की काबिलियत रखते हैं, 2 मैचेस में 53 रन इनके खाते में आए हैं। तो भाई लोग ये हैं वो 6 खिलाड़ी कंसिडरिंग द ड्रीम 11 और फैंटेसी 11 की टीम। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर ओपोनेंट्स जिम्बाब्वे, दोस्तों प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो रगीस चकाववा, वेस्ली मतवेरे, शॉन विलियम्स, सिकंदर रजा, मिल्टन शुम्बा, टोनी म्योंग, रियान बर्ल्ड, ल्यूक जोंग, टेंडाई चटारा, रिचर्ड गरावा, ब्लेसिंग मुजाराबानी ये हमें खेलते नजर आ सकते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में। अब भाई लोग अगर क्रेग इरविन जो कप्तान है टीम के वो फिट रहते हैं डेफिनेटली वो वापस टीम में आएंगे और टोनी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कंसिडरिंग द की प्लेयर्स दोस्तों यहां पर बॉलिंग अटैक डिसेंट नजर आता है, ब्लेसिंग मुजाराबानी 2 मैचेस में 5 विकेट चटका चुके हैं और बैक टू बैक दोनों ही मुकाबलों में उम्दा गेंदबाजी करी थी। यहां पर 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले हैं ब्लेसिंग मुजाराबानी और दूसरे होंगे सिकंदर रजा। 2 मैचेस में 4 विकेट और 96 रन, एज एन ऑलराउंडर सिकंदर रजा कैन प्ले अ क्रूशियल रोल अगेंस्ट स्कॉटलैंड। वहीं अगर हम बात करें शॉन विलियम्स की तो दोस्तों 2 मैचेस में ये 2 विकेट ले चुके हैं और कंसिडरिंग द कंसिस्टेंसी शॉन विलियम्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट अलॉन्ग विद वेस्ली मैदावेरे, जो कि 2 मैचेस में 49 रन बना पाए हैं, टॉप ऑर्डर में रन स्कोर करते दिखे हैं। बैटिंग लाइनअप जिम्बाब्वे का अभी तक कुछ खास प्रदर्शन करता नहीं दिखाई दिया था, रगीस चकाववा दोनों मैचेस में आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दिए हैं, ओवरऑल दारोमदार सिकंदर रजा पे नजर आता है, वहीं मिडिल ऑर्डर भी काफी स्ट्रगल करता दिखाई दिया है। तो दोस्तों ऑन पेपर अगर हम स्टैट्स की बात करें और पिछले 2 मुकाबलों की बात करें तो स्कॉटलैंड का पलटरा भारी नजर आ रहा है, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है टॉस पे, जो टीम टॉस जीतेगी वो मोस्ट प्रोबेबली 90% मैच भी अपने नाम कर ले जाएगी। फर्स्ट बैटिंग करते हुए अगर स्कॉटलैंड ये मैच खेलती है तो जीतने की प्रबल दावेदार हो सकती है। भाई लोग इस मैच में आपका क्या कहना है, कौन सी टीम जा रही है सुपर 12 में, जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाते रहें।